और आइए कुछ खास खबरें देखते हैं फटाफट में। गुरुद्वारा गुरुकताल में हेल्प आगरा संस्था ने अपनी एक एम्बुलेंस की तैनाती की है। एम्बुलेंस का प्रयोग आगरा नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई वाहन दुर्घटना में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में किया जाता है। कोरोना वायरस के चलते देश भर के साथ साथ ताजनगरी भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन में आरोही संस्था लोगों के लिए ऑनलाइन म्यूजिक प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। कोरोना वायरस के चलते ताजनगरी लॉकडाउन है। लॉकडाउन में पंचोटी कॉलोनी के सिख पंजाबी परिवार टीवी पर ऑनलाइन कीर्तन देखकर समय पास कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते भगवान भक्तों से दूर हो गए हैं। ताजनगरी में चल रहे लॉकडाउन में शहर के सभी मंदिरों के साथ साथ जयपुर हाउस के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बंद है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुई ताजनगरी के गुरुद्वारा गुरुकताल परिसर से संगतों में लंगर बरताया जा रहा है। फिलहाल ये सेवा गुरुद्वारा गुरुकताल के मुख्य द्वार के पास चल रही है। ब्रिटिश राज में बना यमुना नदी पर पुल इन दिनों सुनसान पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के चलते पुल पर वाहन चालकों का आना जाना बिल्कुल बंद है। केंद्रीय कारागार से 13 और कश्मीरी बंदी रिहा किए गए हैं। अब तक कारागार से 54 बंदी रिहा हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर शासन ने 13 बंदियों के विरुद्ध की गई लोक सुरक्षा अधिनियम PSC की कार्रवाई निरस्त कर रिहाई परवाना भेजा था। ताजगंज के 8 सब्जी विक्रेता संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी वेंडर बसई सब्जी मंडी से सब्जी और फल लेकर ताजगंज क्षेत्र में बेचते थे। 3 दिन पहले ताजगंज क्षेत्र में 50 की पूल टेस्टिंग कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में 8 वेंडर पॉजिटिव निकले हैं। इनके अलावा कोतवाली और लोहा मंडी में 100 से अधिक की जाँच हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ताजनगरी में अप्रैल के आखिरी दिन रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गुरुवार सुबह से रात तक कोरोना के 46 मरीज और बढ़ गए। इससे पहले 11 अप्रैल को 39 और 17 अप्रैल को 38 कोरोना मरीज मिले थे। जिले में रात तक कुल संक्रमित संख्या 479 पहुंच गई थी। वहीं सूर्य उदय होते होते 17 और नए मरीज सामने आने से यह आंकड़ा 496 तक पहुँच गया। जिले में नए मरीज मिलने से शहर में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ गई है। पहले यहां 32 हॉटस्पॉट सक्रिय थे, इनमें से 11 खत्म कर दिए गए हैं। बचे हुए हॉटस्पॉट में 17 क्षेत्र बढ़ा दिए गए हैं। जिले में अब 38 हॉटस्पॉट पर प्रशासन नजर रखे हुए है। सिकंदर सब्जी मंडी भी हॉटस्पॉट है, यहां 4 सब्जी विक्रेता संक्रमित मिले थे। जिले में 32 हॉटस्पॉट में से 11 ग्रीन जोन में आ गए हैं, क्योंकि यहां लंबे समय से कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिला है। प्रशासन ने यहां राहत दी है, अब यहां सामान्य लॉकडाउन ही रहेगा। रेड जोन में पहले किराने की दुकानें, मेडिकल स्टोर, डेयरियां नहीं खुल पा रही थी, अब इन्हें खोलने की अनुमति है। शर्त यही है कि होम डिलीवरी की जाए और सामाजिक दूरी का पालन हो। पुलिस का पहरा भी पहले से कम कर दिया जाएगा। आगरा के थाना सिकंदर और कोतवाली के 26 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। ये सभी उन 2 सिपाहियों के संपर्क में थे जो संक्रमित पाए गए हैं। एक सिपाही थाना सिकंदर का है, जिसकी ड्यूटी सब्जी मंडी में थी। दूसरा सिपाही PRB का है, जो छत्ता थाने में तैनात था। आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। दूसरे जिलों और राज्यों से लोग अब आ और जा नहीं सकेंगे। गुरुवार को SSP बबलू कुमार ने सीमा के सभी थानेदारों को वायरलेस सेट के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन में जहां सरकार द्वारा शराब और गुटखे मसालों को बैन किया गया है, इसके बावजूद शराब और गुटखे मसालों को चोरी छिपे मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है। यह सिलसिला पूरे शहर में जारी है। स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी फैलने पर चिकित्सक और फार्मासिस्ट दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों का भत्ता काट दिया है। इसके विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले महिला अस्पताल में मोमबत्ती जलाकर विरोध किया। MBJN इंटर कॉलेज में बंदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में निरुद्ध 13 बंदियों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जेल प्रशासन अन्य बंदियों का भी चेकअप कराने जा रहा है। MBJN इंटर कॉलेज में निरुद्ध बंदियों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला कारागार में शिफ्ट किए जाएंगे। इस तरह हर बंदी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण जेल में बंदियों से मुलाकात नहीं कराई जा रही है। अस्थायी जेल में परिजन मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने लौटा दिया।
पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी दहशत में आ गए हैं। अधिकारियों ने भी माना है कि एक दूसरे से मिलने के कारण ये बीमारी फैली है। रेडी लाइन में मोमबत्ती जलाकर विरोध कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि अगर सरकार ने भत्ता नहीं दिया तो आगे रणनीति तय कर आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। गाड़ियों में और उनके साथ महिला आरक्षी भी तैनात की गई हैं, जिससे महिलाओं को जागरूक किया जा सके। आगरा जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार सुबह 17 नए मामले और मिले, जिससे जिले में अब तक 496 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आगरा में अब तक 96 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिले में कुल एक्टिव केस 387 है, जिनका आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। हरिपर्वत इलाके के एक निजी हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवा देने वाले 85 वर्षीय डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिकित्सक अर्जुन नगर के रहने वाले हैं। हरिपर्वत क्षेत्र में संचालित डायलिसिस सेंटर के कर्मचारियों टेक्नीशियन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसी सेंटर पर डायलिसिस कराने वाले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मृतक के भतीजे में भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। आगरा जनपद में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव एक और व्यक्ति की मौत हुई, जिससे जनपद में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों की मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। आगरा जनपद में जिला प्रशासन ने 7 हॉटस्पॉट और बढ़ाए हैं। जिले में अब 29 कोरोना रेड जोन एक्टिव हैं। ये इलाके पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। कोरोना का वायरस गांव में भी पहुंच चुका है। अकेले ककुआ गांव में 11 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि जारुआ कटरा झारपुरा रजरी बंबा टेरी बलिया से भी संक्रमित मरीज मिले हैं। ककुआ गांव में हार्डवेयर व्यवसायी पहले पॉजिटिव पाए गए थे, अब उनके परिवार के 10 लोग और पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें उनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। आगरा में फल और सब्जी विक्रेता भी नई चुनौती बन गए हैं। अब तक 10 फल और सब्जी विक्रेता, जिनमें से 8 संक्रमितों की पुष्टि शुरुआत हो गई है। कोरोना संक्रमण की जद में आए पुलिसकर्मियों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस लाइन में खाना तैयार करने वाली महिला और पुलिस फॉलोअर के बाद अब घायल एक के बारे चीता मोबाइल का सिपाही और एंटी रेवन्यू स्क्वाड की गाड़ी का चालक भी संक्रमित मिला है। जलाद क्षेत्र की गैस एजेंसी से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वाला 40 व्यक्ति होकर भी संक्रमित मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हेल्थ सेवाओं से जुड़े लोगों के पॉजिटिव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक स्वास्थ्य एम्बुलेंस कॉल सेंटर पर कार्य करने वाला कर्मचारी भी संक्रमित हुआ है।